सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझसे काफी दोस्तों ने पूछा था कि हम स्टेटस बार में इस तरह का डाउनलोड मीटर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं, मोबाइल वाईफाई, और यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का डाटा शो हो जाएगा, जितना आप अपने 3G पे डाटा यूज करते हैं और जितना अपने वाईफाई पे यूज करते हैं, तो दोनों यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और अगर आप इसकी सेटिंग में चल जाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर शो अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे ये कुछ ऑप्शन देख सकते हैं जो प्रो वर्जन में है, इसके लिए दोस्तों आपको बाय करना पड़ेगा। इसके बाद आप ये स्पीड यूनिट देख सकते हैं, बाइट्स और बिट दोनों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर डाटा यूजेज लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1000 MB यानी कि 1 GB की लिमिट लगा लेता हूँ। और यहाँ पर लगा सकते हैं आपके महीने के कौन से दिन से आपका डाटा प्लान स्टार्ट होना चाहिए, तो वो भी सिलेक्ट कर लें। और ये आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि काफी स्टेबल है और बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सिस्टम में जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऐप को बाय करना पड़ेगा। लेकिन वाईफाई मीटर के लिए आपको ऐप को बाय नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्लॉलेस वर्क करता है और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको। तो इसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये प्ले स्टोर पे भी इंटरनेट स्पीड मीटर सर्च कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि 10 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग है और 4.5 इसकी रेटिंग है। तो बहुत ही यूनिक ऐप है दोस्तों, बहुत ही क्विक वीडियो थी ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कूल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो एक बार फिर दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।